就好吃就好吃就好吃हबीबनगर सब इंस्पेक्टर शेखर वर्मा और स्पेशल पार्टी के साथ दारुसलाम क्रॉस रोड के पास व्हीकल चेकिंग ऑर्गेनाइज कर रहे थे। वो टाइम पे सलीम खान नाम वाले वहाँ से पुलिस से छुपा के थोड़ा बैग्स लेके आके एस्केप होने के लिए ट्राई कर रहे थे। वो सिलसिला में पुलिस पार्टी उसको अपहरण करके उनके पास सर्च करे तो बैंड टोबाको प्रोडक्ट्स उसके पास मिले थे। उसका कन्फेशन रिकॉर्ड करने के बाद और एक नाम वाले दोनों के साथ एक बिजनेस कर रहे बोल के सोच के फिर शायनाथ यूनिवर्सिटी में एक आदमी के पास जाके वो घर से और 6 टाइप्स ऑफ वेराइटी टोबाको प्रोडक्ट्स और बैंड प्रोडक्ट्स है तो पूरा मेटेरियल को सीज करते। वो पर्सन स्कैनिंग में है, इसका वर्थ 1 लाख तक है। अभी पुलिस का कस्टडी में सलीम खान इन्हें पुलिस कस्टडी में है। अभी केस रजिस्टर करके कुछ मशीनें वगैरह भी मिली क्या मतलब उनका बनाए नहीं अभी सर्च कर रहे इन लोगों को कहाँ से मिल रहे कहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे ये पूरा इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है। कितने लोग मिले सर्च में? अभी एक आदमी कस्टडी में है सलीम खान नाम वाले और दूसरा आदमी के लिए सर्च कर रहे हैं। सर गुटखा पकड़ने के कई केसेस हुए तो इससे इन्हें जिसको बेच रहा या कर रहा उसमें से पकड़े जाने वालों में से कोई एक है सर इसमें से इन फ्रेश है? इससे पहले भी अभी मैंने पुलिस में ऑलमोस्ट अब तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा गुटखा अपन सीज करे थे। कई ब्रांड्स भी गुटखा सीज करे थे। अभी ये इसके नया ब्रांड है ये अभी 6 वेराइटी सब गुटखा यहाँ पर सीज है। उसमें पुराना ब्रांड आर आर गुटखा है, आर आर का टोबाको प्रोडक्ट्स है और बाकी का जो कुछ है टोबाको प्रोडक्ट्स वो अभी तक का पहले बार देख रहे। उसमें आप देख रहे लाला 126 के नाम से भी चल रहे। ये कहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रहे, प्रोडक्शन कहाँ से आ रहे, ये कब से स्टार्ट करे, ये पूरा इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है सर। ये इतना गुड पुलिस हमेशा पुलिस और कई गवर्नमेंट मिशनर ने पब्लिक में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए एजुकेट करने के लिए ट्राई करते रहता है। अगर इससे पहले कितना गुड का प्रोडक्शन आ रहे अभी बहुत कम है, यूजेस करने वाले भी बहुत कम है। अपना पुलिस फ्रेंडली के साथ कार्डन सर्च कर रहे हैं, कोई गुटखा खाने वालों को पकड़ रहे हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, पान शॉप वालों को भी अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। जो कुछ मैन्युफैक्चर है उसके लिए दबाव करने के लिए उसके पीडीएफ भी रखने के लिए प्रपोज कर रहे हैं। अगर मैन्युफैक्चरिंग जो कुछ कर रहे हैं प्रोडक्ट्स में अभी अमेंडमेंट करके गवर्नमेंट को प्रपोज करने का है, उन लोगों को पीडीएफ डालने का भी ऑफिसर्स ने सोच रहे। कितने लोगों को पीडीएफ डाले सर गुटखा केसेस में? अभी गुटखा केस में पीडीएफ नहीं डाले थे अभी तक, वो एक्ट में नहीं आ रहे। अभी इसके लिए पब्लिक का हेल्थ का हजार्डस हो रहा है, पब्लिक का हेल्थ डैमेज हो रहा है, वो उसके लिए गवर्नमेंट में एक अमेंडमेंट करने का एक्ट लेके एक्ट में अमेंडमेंट करने के लिए है। अभी वो प्रोसेस चल रहा है। थैंक यू सर।